तीन क्वालिटीज हमारे जीवन में खड़ी करनी पड़ेगी। जब तक ये तीन क्वालिटीज हमारी लाइफ में नहीं है, तब तक हम परमात्मा को पा नहीं सकते, परमात्मा मय हो नहीं सकते, परमात्मा के समीप जा नहीं सकते, परमात्मा के निकट जा नहीं सकते। परमात्मा मय बनने के लिए लाइफ में तीन क्वालिटीज निश्चित तौर पर खड़ी करनी पड़ेगी। नंबर वन, हार्टफुलनेस, हृदय भरा हुआ चाहिए। आपका हृदय भरा हुआ तो है, पर किस से भरा हुआ है, ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। क्या भरा हुआ है हृदय में, ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमात्मा को पाना हो तो जीवन में तीन क्वालिटीज चाहिए। नंबर वन, हार्टफुल, हृदय भरपूर चाहिए। खाली हृदय में परमात्मा विराजित नहीं हो सकते, हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो जो हृदय में नहीं भरने जैसा है उसको भर के रखा हुआ है, उसको खाली करना पड़ेगा, और दूसरा जो हृदय में भरने जैसा है उसको कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा। दो काम हमें करने पड़ेंगे यदि परमात्मा को पाना है। और निश्चित तौर पर समझ लेना, बिना परमात्मा के पाए ये मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हो सकता। आप देख लीजिएगा, जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए, जितने भी भक्त हुए, सभी ने जीवन में एक ही कोशिश करी, परमात्मा के समीप जाने की, या तो आराधना के माध्यम से, या तो साधना के माध्यम से, या तो कायोत्सर्ग के माध्यम से, या तो तप के माध्यम से, या तो त्याग के माध्यम से, या तो भक्ति के माध्यम से, कोई भी माध्यम पकड़ लिया, लेकिन कोशिश एक ही करी कि हम परमात्मा के कितने समीप जा सकते, परमात्मा के कितने निकट पहुंच सकते हैं, परमात्मा के कितने नजदीक जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझिएगा, यदि आप चाहते हो कि परमात्मा के समीप जाना है तो जीवन में हार्टफुलनेस चाहिए, जीवन भरपूर चाहिए, हृदय भरा हुआ चाहिए। हमारा हृदय भरा हुआ तो है, लेकिन किससे? कसायों से, किससे? क्रोध से, किससे? अहंकार से, किससे? विकारों से, किससे? विषयों से, दूसरों के प्रति घृणा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, ये सारी चीजें हम हृदय में भर के बैठे हुए हैं। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जीवन में समझने की कोशिश करिएगा, जब तक इससे हृदय भरा हुआ है तब तक प्रभु नहीं पधारेंगे। जिस दिन प्रेम से हृदय भर गया उस दिन प्रभु जरूर पधारेंगे। परमात्मा को हृदय में लाना है तो पहली शर्त प्रेम है, और इसीलिए तो हमारे यहां लिखा गया कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पढ़ना क्या है, सीखना क्या है, जानना क्या है, एक ही चीज जाननी है कि प्रेम से हृदय कैसे भर जाए। रवि हृदय भरा हुआ तो है, लेकिन कसायों से, विषयों से, वासनाओं से, गंदगी से भरा हुआ हृदय है, ऐसे हृदय में परमात्मा कैसे आए, कैसे हम परमात्मा को पाएंगे? ऐसे हृदय के साथ हमारा जीवन चलता रहा तो हम कैसे जीवन में परमात्मा को बुला पाएंगे? अरे मैं कहना चाहता हूं कि समझिएगा, आज तक हमने परमात्मा को मंदिर में बहुत बार विराजमान किया, आज तक हमने परमात्मा को हमारे व्यवसाय के स्थान पर, दुकान में, ऑफिस में बहुत बार विराजमान किया, आज तक हमने परमात्मा को हमारे घर में भी बहुत बार विराजमान किया, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हृदय में अभी तक परमात्मा को विराजित नहीं कर पाए। कारण एक ही है कि हृदय प्रेम से भरा हुआ नहीं है, और जब तक प्रेम से भरा हुआ हृदय नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं पधारेंगे, याद रख लेना। हार्टफुलनेस, जीवन कैसा हो, हृदय कैसा हो, प्रेम से भरपूर, जहां हर समय हर क्षण प्रेम बहता रहे, ऐसा हृदय हो तो परमात्मा निश्चित तौर पर आएंगे, परमात्मा को आना ही पड़ेगा। दूसरी क्वालिटीज परमात्मा को पाने के लिए, जॉयफुलनेस, आनंद से भरपूर जीवन चाहिए। जब तक जीवन में आनंद नहीं है तब तक प्रभु का प्रवेश नहीं हो सकता। परमात्मा भक्ति में जिसको आनंद आने लगे उसको और कोई चीज अच्छी नहीं लगती, उसको और कोई चीज में आनंद नहीं आता। नरसिंह मेहता की बात आती है, श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे थे और भक्ति करते करते उनको आकर के किसी ने बताया कि आपकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया है,
और फिर भी वो नरसिंह मेहता भक्ति करते 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 एक कृष्ण के पीछे ऐसे दीवाने बन गए, कृष्ण के पीछे ऐसे पागल बन गए, और गाते गाते उन्होंने गा लिया कि भलू थयु भागी जंजाल भावे भजसु श्री गोपाल। ये ताकत है भक्ति की समझना। जब आदमी परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, परमात्मामय हो जाता है, परमात्मा की भक्ति में एकदान बन जाता है, तब उसको संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। समझ लेना, आपके जीवन में भी ये क्वालिटीज आ जाए तो परमात्मा को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जॉयफुलनेस, आनंद, सच कहना, मंदिर जाने की जल्दी होती है या मंदिर से जाने की जल्दी होती है? क्या होता है हमारे जीवन? मंदिर जाने की जितनी जल्दी नहीं होती, उतनी जल्दी मंदिर से जाने की होती है। मंदिर तो हम चले जाते हैं, हमारे संस्कार है, हमारा रूटीन है, हमने कहीं ना कहीं नियम ले रखा है, इसलिए मंदिर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने की जितनी जल्दी नहीं होती, मंदिर से जाने की उतनी जल्दी होती है। इसका मतलब यह कि अभी तक हम भक्ति में आनंद नहीं ले पाए। भक्ति का आनंद तो कैसा, आदमी खुद को भूल जाए, यह भक्ति का आनंद है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझिएगा, नंबर वन हार्टफुलनेस, नंबर टू जॉयफुलनेस, एंड नंबर थ्री प्रभु को यदि पाना है तो तीसरी क्वालिटीज हमारी लाइफ में क्या होनी चाहिए, तीसरी क्वालिटी हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? नंबर थ्री थैंकफुलनेस। प्रभु के पास जाए तो धन्यवाद का भाव लेकर जाए। मैं कई बार कहता हूं कि आज तक प्रभु से मांगने बहुत बार गए, बराबर समझो, मन घनी वक्त कहवानो मन थाए कि आज सुधी परमात्मा पासे मांगवा घनी वार गया, पर परमात्मा ने मड़वा कोई दिवस नहीं गया, अने परमात्मा ने धन्यवाद आपवा कोई दिवस नहीं गया। જ્યારે પણ ગયા, માંગવા માટે ગયા, પ્રભુ આ આપી દે, પ્રભુ આ આપી દે, પ્રભુ આ આપી દે, પ્રભુ આ આપી દે, મારા જીવનમાં આ આવી જાય તો સારું, મને આ મળી જાય તો સારું, જ્યારે પણ ગયા પરમાત્મા પાસે માંગવા માટે જ ગયા। પણ હું તમને એમ કહું છું કે ભગવાન પાસે જે દિવસે મળવા માટે જાઓ ને, ભગવાન પાસે જે દિવસે ધન્યવાદ આપવા માટે જાઓ ને, એ દિવસે સમજી લેવાનું કે સાચી પરમાત્મા સાથે તમારી મુલાકાત થઈ જશે। થેન્કફુલનેસ, પ્રભુ કે પાસ જબ ભી જાય धन्यवाद का भाव और शुक्रिया का भाव लेकर जाए कि प्रभु तूने जो भी दिया है उसका निश्चित तौर पर धन्यवाद है, इसका शुक्रिया है कि मैं इसका हकदार नहीं था, मेरी इतनी औकात नहीं थी, फिर भी मुझे तेरे से इतना कुछ मिल गया है, मुझे तेरे से इतना कुछ प्राप्त हो गया है। ये धन्यवाद का भाव लेकर प्रभु के पास जाए तो प्रभु मिल सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में समझ लीजिएगा, परमात्मा को पाना है तो लाइफ में तीन क्वालिटीज निश्चित तौर पर होनी चाहिए। नंबर वन साथ में मिलकर, नंबर वन हार्टफुलनेस, नंबर टू जॉयफुलनेस, एंड नंबर थ्री थैंकफुलनेस। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।